एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात हमने की, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हमने प्रकाश डाला। आज बात होगी उस पार्टी के बारे में जो पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी सभी सीट लूज करने के बावजूद भी सुर्खियों में बन गया। जोहार, नमस्कार, आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और मैं अपराजिता पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। जेबी केसेस, वर्तमान में जेएलकेएम यानी झारखंड लोक क्रांति मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो के डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मियां झारखंड में तेज कर दी। जयराम कहते हैं कि उनकी पार्टी किसी गठबंधन से सौदा नहीं करेगी और उनके इस फैसले से राज्य की प्रमुख पार्टियों के समीकरण बदल सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि जयराम महतो का ये कदम किस तरह चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा और इसका असर किन किन पार्टियों पर पड़ेगा। जयराम महतो, जिनका नाम पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड की राजनीति में उभरा था, अब डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जयराम महतो का दावा है कि एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों ने उनसे संपर्क साधा था, लेकिन उन्होंने किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। जयराम महतो के इस फैसले से बीजेपी, आजसू और झामुमो के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। लोकसभा चुनाव में 3,47,322 वोट हासिल करने के बाद जयराम महतो को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेता के रूप में देखा जाने लगा है। खैर, विधानसभा चुनाव के लिए जयराम महतो ने गिरिडीह जिले के अलावा धनबाद, साहिबगंज, रांची, सरायकेला, खरसावा और पलामू जिलों से भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इससे राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जयराम महतो के चुनाव लड़ने से आजसू और झामुमो जैसी बड़ी पार्टीज को नुकसान हो सकता है। ऐसे में उनका विधानसभा चुनाव में उतरना निश्चित रूप से चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा, खासकर गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा सीट पर, जहां से जयराम महतो ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जयराम महतो का यह कदम निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है। उनका स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का यह फैसला मुख्यधारा की पार्टीज के लिए चुनौती साबित हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनका प्रभाव है। जयराम की पार्टी जेएलकेएम ने कई महत्वपूर्ण सीट्स पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। जयराम महतो का डुमरी से चुनाव लड़ना सिर्फ एक चुनावी निर्णय नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनकी रणनीति भी है। उन्होंने 5 और सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे यह साफ स्पष्ट होता है कि वे राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। जयराम महतो की यह चुनावी घोषणा राज्य की सियासी हलचल को भी और बढ़ा सकती है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला झारखंड की राजनीति में कई नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। उनके इस कदम से झारखंड की प्रमुख पार्टीज को भी नई रणनीति बनानी होगी, ताकि वे अपने वोट बैंक को सुरक्षित रख सके। तो क्या जयराम महतो की चुनावी चुनौती झारखंड की राजनीतिक तस्वीर बदलने वाली है? यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावी दिनों में उनकी पार्टी किस तरह से अपना प्रभाव जमाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे झारखंड सहित देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हजारीबाग अपडेट्स के साथ। शुक्रिया।